हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं नीलेश एंड आज इस वीडियो में हम रिसर्च पेपर राइटिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हमें एक अच्छा साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखना है तो टाइटल एफिलिएशन से लेके रेफरेंसेस तक उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कौन सा पार्ट किस तरीके से लिखना है, कौन से पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करने हैं, कौन से पॉइंट्स एक्सक्लूड करने हैं, ये डिटेल डिस्कशन हम मेरे कुछ पब्लिश्ड पेपर्स हैं उनको रेफरेंस के लिए लेके करने वाले हैं। सो अगर आप आपकी एक मनुस्क्रिप्ट पेपर तैयार कर रहे हैं जो कि एक साइंस साइटेशन इंडेक्स में या स्कोपस इंडेक्स जैसे हाई एंड जर्नल्स में पब्लिश करना है आपको, सो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उसके सामने जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करो, क्योंकि मैं रिसर्च पेपर एंड इस पब्लिकेशन के रिगार्डिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो गाइडलाइंस मैं बताने जा रहा हूँ उसको यूज़ करके आप डेफिनेटली एक अच्छा रिसर्च पेपर, एक अच्छी मनुस्क्रिप्ट लिख पाओगे, लेकिन जब वो हमें पब्लिश करनी होती है किसी जर्नल में या किसी कॉन्फ्रेंस में, सो उस जर्नल या कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग हमें कुछ माइनर करेक्शंस करने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक जर्नल या कॉन्फ्रेंस की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है। सो ये करने के बाद हमें वो मनुस्क्रिप्ट सबमिट करनी है पब्लिकेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं रिसर्च पेपर के मेन स्ट्रक्चर की तरफ। तो एक अच्छा साइंटिफिक जो रिसर्च पेपर है उसमें बेसिकली 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला पार्ट है टाइटल एंड एफिलिएशन, सेकंड पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, फोर्थ इज लिटरेचर रिव्यू, फिफ्थ पार्ट इज मेथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन यूज्ड, सिक्स्थ इज रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, सेवेंथ इज कंक्लूजन्स एंड लास्ट पार्ट इज रेफरेंसेस। सो आप कोई भी रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर अगर रेफर करते हो तो ये 8 पार्ट्स है वो आपको वहाँ पर दिखाई ही देंगे, लेकिन कुछ ऑप्शनल पार्ट्स है जैसे कि पहला है एब्रीवेशंस, सेकंड है एक्नॉलेजमेंट एंड लास्ट अपेंडाइसेस। ऐसे कोई ऑप्शनल पार्ट्स है जो कोई रिसर्च आर्टिकल में रहेंगे, कुछ रिसर्च आर्टिकल में नहीं भी रहेंगे। सो ये सब पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है टाइटल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फर्स्ट इंप्रेशन है हमारे रिसर्च आर्टिकल का, रिसर्च मनुस्क्रिप्ट का, क्योंकि जब हम किसी जर्नल में या कॉन्फ्रेंस में पब्लिकेशन के रिसर्च आर्टिकल सबमिट करते हैं तो अगर हमारे टाइटल में ही कुछ गड़बड़ है, हमारा टाइटल ही अच्छा नहीं, तो वो वहीं पर ही रिजेक्ट हो जाती है, वो रिव्यू ही नहीं की जाती। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग योर टाइटल। सो मैं एक आपको 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी बताता हूँ, वो अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा टाइटल लिख पाओगे आपके मनुस्क्रिप्ट के लिए, आपके रिसर्च आर्टिकल के लिए। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है योर टाइटल शुड बी लिमिटेड टू 8 to 15 वर्ड्स। The second important point is it should be very relevant to the subject. Third important point, it should be in the form of single phrase or rarely in the form of question. Fourth, it should have used a correct grammar and proper capitalization. And last, it should avoid the abbreviations. तो चलिए यही points हम discuss करते हैं डिटेल में कुछ examples के साथ। यहाँ पर मैंने मेरे कुछ published papers से उनके snapshot लिए हैं। एक पेपर है जो एल्सेवियर का अनपेड जर्नल है वहाँ पर पब्लिश है, एंड एक दूसरा पेपर है, ये रिव्यू पेपर है, वो जर्नल ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियरिंग, ये स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, यहाँ पर पब्लिश है। इसमें टोटल 8 वर्ड्स है एंड इसमें टोटल 12 वर्ड्स है। सो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट, इट शुड बी लिमिटेड टू 8 to 15 वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ये 8 ही वर्ड्स होने चाहिए या 15 ही वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड हाईलाइट किया है। सो इसमें मेरा एक्चुअली ये टॉपिक है एमआर फ्लूइड से, एक स्मार्ट फ्लूइड है। सो अगर मैं यही टाइटल लिख देता वहाँ पर मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड, सो ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं हो जाता एंड मेरी मनुस्क्रिप्ट वहीं पर रिजेक्ट हो जाती, एंड जो रीडर है वो भी अगर ये रीड करता तो उसे भी पता नहीं चलता कि एक्चुअली इसमें है क्या, क्योंकि ये फील्ड जो है ये बहुत वास्ट है। सो इसको स्पेसिफिक करने के लिए मैंने इसका एक एप्लीकेशन ऐड कर दिया जो कि एक ब्रेकिंग एप्लीकेशन है, एंड ये थोड़ा स्पेसिफिक हुआ, लेकिन इसमें भी मैंने एमआर फ्लूइड्स के कुछ सैंपल सिंथेसाइज किए एंड उनकी प्रॉपर्टीज मेजर किए, कैरेक्टराइजेशन किया है, तो ये 2 वर्ड ऐड कर दिए, तो ये टाइटल थोड़ा स्पेसिफिक हो गया जिसकी लेंथ है 12 वर्ड्स। सो इस तरह से अगर 8 से 15 वर्ड्स के बीच में टाइटल होता है तो वो स्पेसिफिक हो सकता है, 8 से अगर कम वर्ड्स रहेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो स्पेसिफिक नहीं होता, और 15 से ज़्यादा अगर वर्ड्स रहेंगे तो वो लेंदी हो जाता। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर मनुस्क्रिप्ट जो भी रेफर करते हो, सो इसके आसपास ही 8 से 15 वर्ड्स के आसपास ही आपको टाइटल्स दिखाई देते हैं। सो जो सेकेंड पॉइंट है वो है इट शुड बी वेरी रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट. सो डेफिनेटली आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है, सो ये जो कीवर्ड्स आपने टाइटल में सिलेक्ट किए लिखे हैं, सो ये सभी कीवर्ड्स आपको केयरफुली सिलेक्ट करने हैं आपके टॉपिक के हिसाब से, आपके जो आपने जो मनुस्क्रिप्ट लिखी है इसके हिसाब से. एंड थर्ड पॉइंट, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल फ्रेज. सो डेफिनेटली टाइटल आपका जो है वो टाइटल कभी भी सेंटेंस फॉर्म में नहीं होता. रेयरली कुछ मनुस्क्रिप्ट में वो क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मनुस्क्रिप्ट में वो एक सिंगल फॉर्म सिंगल फ्रेज में ही होता है. एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है योर टाइटल शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइटल ये आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन है आपके मनुस्क्रिप्ट का. वो अगर अच्छा नहीं रहेगा तो मनुस्क्रिप्ट वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी. सो इसलिए इसका ग्रामर, ये जो टाइटल है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. इसके लिए आप एक ऑनलाइन साइट स्मॉल एसईओ टूल्स करके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर आप ग्रामर चेक कर सकते हो. एंड इट शुड हैव यूज प्रॉपर कैपिटलाइजेशन. सो कैपिटलाइजेशन यहाँ पर एक्चुअली इस जर्नल के रिक्वायरमेंट में वो कंडीशन नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कैपिटलाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन सेकेंड मनुस्क्रिप्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने हर एक लेटर वर्ड का कैपिटल लिख दिया है. लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं जैसे कि दी, एन, ऑन, ऐसे आर्टिकल्स के जो फर्स्ट लेटर्स है वो कभी कैपिटल नहीं रहते, वो स्मॉल ही रहते हैं. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग द कैपिटलाइजेशन. कुछ जर्नल के रिक्वायरमेंट्स में आपको कंप्लीट टाइटल भी कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है. सो द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यू शुड अवॉइड अब्रिविएशंस. सो ये टाइटल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर मैंने कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज किया, एब्रिविएशंस नहीं यूज किए हैं, एंड आपको करने भी नहीं है. लेकिन अगर आप फर्स्ट मनुस्क्रिप्ट मेरी ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक जो लेटर है वो मैंने एब्रिविएशन यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि वो वर्ड रिपीट हो रहा है. रिपीटेशन भी मुझे अवॉइड करने हैं, लेकिन इस केस में मुझे पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने जब वो फर्स्ट यूज किया सो वो कंप्लीट वर्ड लिखा है, ब्रैकेट में वो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एंड सेकेंड टाइम में मैंने वो एब्रिविएशन लिखा है. सो एक्चुअली ऐसी अगर एक्सेप्शनल केस होगी तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको ट्राई करना है कि ये अवॉइड हो सके, एब्रिविएशंस अवॉइड हो सके. नेक्स्ट पार्ट है एफिलिएशंस. सो टाइटल के नीचे एक लाइन में हमें ऑथर्स के एंड कॉथर्स के नाम लिखने होते हैं, एंड उसके नीचे हम जहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड एड्रेस लिखना पड़ता है. सो कुछ केसेस में हमें हमारी पोजीशन भी लिखनी होती है, जैसे कि रिसर्च स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एक्सेट्रा, एंड हमें करस्पॉन्डिंग ऑथर मेंशन करना पड़ता है. मीन्स जो रिविजन प्रोसेस होती है वो रिविजन प्रोसेस करस्पॉन्डिंग ऑथर थ्रू ही की जाती है. ठीक है, मैंने कुछ एफिलिएशंस भी यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइटल के नीचे वाली लाइन में एग्जैक्टली एक लाइन में आपको मेन ऑथर्स एंड को ऑथर्स के नाम लिखने हैं. सो जो पहला ऑथर है वो उसको 70% उस पेपर का, उस मनुस्क्रिप्ट का क्रेडिट जाता है, एंड जो रिमेनिंग ऑथर्स है उनको 30% क्रेडिट जाता है. सो अगर आपने आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है तो आपको आपका नाम पहले सिक्वेंस पर ही लिखना है. सो ये आपको याद रखना है. एंड उसके एग्जैक्टली उसके नीचे आप नाम के यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, एंड वो सुपरस्क्रिप्ट नीचे यूज करके वहां पर आपको आपकी इंस्टीट्यूट का नाम एंड एड्रेस डालना है, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस. सो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आपको आपकी पोजीशन भी डालनी पड़ती है. जैसे कि अगर मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पहले रिसर्च स्कॉलर लिख सकता हूँ. सो इस जर्नल में वो क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम एंड एड्रेस डाला था. सो अगर आप जॉब कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो. और एक बात आपको याद रखनी है कि आपके नाम के आगे प्रोफेसर, डॉक्टर ऐसे कुछ लिखना नहीं है. ज्यादातर 90% जर्नल ऐसे है कि वहां पर आपको वो नहीं लिखना होता है. सो वो भी एक पॉइंट आपको याद रखना है. सो यहाँ पर देखो मैंने दो सुपरस्क्रिप्ट्स यूज किए. यहाँ पर एक ए स्मॉल लेटर यूज किया है एंड मैंने मेरे इंस्टीट्यूट का नाम ऐड कर दिया है. सो जो सेकंड को ऑथर है एंड थर्ड को ऑथर है उनको लिए मैंने सिर्फ एक ही लेटर यूज किया है जो कि बी है. एंड बिकॉज ये दोनों को ऑथर है जो एक ही इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, सो मैंने एक ही सुपरस्क्रिप्ट लिखा है. सो मेरे नाम के आगे मैंने एक स्टार भी लिखा है एंड ए भी लिखा है. सो आपको करस्पॉन्डिंग ऑथर भी मेंशन करना होता है. सो यहाँ पर जहाँ पर हम फुटनोट लिखते हैं तो नीचे मैंने वो स्टार करके देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग ऑथर लिखा है. दैट मीन्स जर्नल में सबमिट करने के बाद जो भी रिविजन्स होगी सो वो सभी रिविजन्स मेरे ईमेल आईडी पे आएगी। सो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ वो रिविजन्स एंड कंप्लीट मनुस्क्रिप्ट हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट। सो आपको आपकी मनुस्क्रिप्ट समराइज करनी है इन 300 वर्ड्स और लेस देन दैट। सो ये रिक्वायरमेंट वेरी हो सकती है, कुछ जर्नल्स डिमांड्स करते हैं 150 वर्ड्स की, कुछ डिमांड्स करते हैं 200 वर्ड्स की। सो अकॉर्डिंगली यू शुड फ्रेम योर मनुस्क्रिप्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है और उसमें कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या नहीं होना चाहिए। सो एब्स्ट्रैक्ट में आपको कभी रेफरेंसेस नहीं डालने हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आपको कभी टेबल फिगर नहीं डालने हैं, आपको एब्स्ट्रैक्ट में कभी एब्रिविएशंस भी नहीं यूज़ करने हैं। अगर कोई वर्ड है जो 10-12 बार रिपीटेडली यूज़ हो रहा है तो आप एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हो। दोज कैन बी कॉल्ड एज एक्सेप्शनल केसेस। अदरवाइज आपको एब्रिविएशंस भी एब्स्ट्रैक्ट में नहीं यूज़ करना है। सो एब्स्ट्रैक्ट हमें कैसे लिखना है, इसके लिए आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स पे एम्फसाइज करना है, 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, तो एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट आप लिख पाओगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन से 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने मेरे एब्स्ट्रैक्ट का भी एक स्नैपशॉट यहाँ पर लिया है एंड कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल वर्ड जो है वो 175 वर्ड्स है। इस जर्नल की रिक्वायरमेंट थी कि 200 वर्ड्स तक एब्स्ट्रैक्ट हमें लिखना है। सो इसलिए मैंने 175 वर्ड्स में लिखा था। सो यहाँ पर देखो, मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्पोर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन। सो यस, डेफिनेटली आपका जो टॉपिक है उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो पहले एक लाइन में आपको लिखना है, 1-2 लाइन में। सो मैंने यहाँ पर लिखा है कि MR फ्लूइड टेक्नोलॉजी हैज बीन प्रूवन फॉर मेनी एडवांस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, एंड वो एप्लीकेशंस भी मैंने मेंशन किए। सो आपको स्पेसिफिक होना है जितना ज्यादा हो सके। सो इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर यूज किया है MR फ्लूइड टेक्नोलॉजी। सो MR फ्लूइड टेक्नोलॉजी क्या है ये मैंने सेकंड सेंटेंस में बताया है। सो उसको इंट्रोड्यूस किया है। सो ये रिलेशन भी आपको मेंटेन करना है कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस अलग ही है एंड दूसरा सेंटेंस ये बहुत ही अलग है, उसका कोई फर्स्ट सेंटेंस से रिलेशन ही नहीं है। सो ये फ्लो भी आपको मेंटेन रखना है। सो ये है, ये पहले 2-3 लाइन में आपको ये करना है कि आपके टॉपिक का इम्पोर्टेंस एंड उसका इंट्रोडक्शन, ये पार्ट कवर करना है। जो सेकंड पार्ट है वो है मेथड्स। आपने जो मेथड्स यूज किए आपके रिसर्च के लिए, कुछ भी मेथड्स रहेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स रहेंगे, वो आपको मेंशन करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है कि MR फ्लूइड सिंथेसाइज किया है। सो किस तरीके से सिंथेसाइज किया है, MR फ्लूइड के जो सैम्पल्स हैं उनके इनग्रेडिएंट्स क्या है, सो ये मेंशन किया है। सो मेथड्स, दैट मीन्स व्हाट यू डिड। एंड द थर्ड पार्ट है जो रिजल्ट्स है। सो उसके बाद जो भी आपने मेथड्स यूज किए, उसके बाद जो भी कुछ रिजल्ट्स निकाले, वो रिजल्ट्स आपको 1-2 सेंटेंस में मेंशन करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक रिजल्ट्स में मॉर्फोलॉजिकल मेजरमेंट्स है, रियोलॉजिकल मेजरमेंट्स, मैंने प्रॉपर्टीज मेजर किए। सो ये रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, ये मैंने एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख दिए। एंड जो लास्ट पार्ट है वो है इम्प्लीकेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके रिसर्च का आउटपुट क्या होगा, उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है, प्रैक्टिकल या सोसाइटी के लिए कोई यूज हो रहा है, तो वो एक सेंटेंस में लिखना है यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं जो MR फ्लूइड सिंथेसाइज करने वाला हूँ वो एक टिपिकल MR बेक एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकता है इन फ्यूचर, वो कमर्शलाइज हो सकता है। सो इस तरह से आपको ये 4 पार्ट्स अच्छी तरह से लिखने हैं। मैंने यहाँ पर एक्चुअली पहले 2 पार्ट्स मेरे थोड़े से ज्यादा ही बड़े हुए, लेकिन ज्यादातर जो तीसरा पार्ट है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, वो बेसिकली 30% होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट का। एंड पहला एंड लास्ट पार्ट वो अगर छोटा हो तो भी चलेगा। तो ये पॉइंट्स याद रखो। एंड इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि एब्रिवेशंस, टेबल, चार्ट्स, फिगर्स, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो पहला वर्ड है मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड, ये वर्ड यहाँ पर बेसिकली एक 10-12 बार यूज हुआ है। सो ये आप एक एक्सेप्शनल केस कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने मेरे फर्स्ट यूज में वो शॉर्ट फॉर्म यूज किया और उसके बाद मैंने सिर्फ वो एब्रिविएशन ही लिखे, क्योंकि वो 10-12 बार अगर ये वर्ड रिपीट हो जाता तो वो भी अच्छा नहीं रिफ्लेक्ट होता। तो ऐसे केसेस में आप ये एब्रिविएशन यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आपको ट्राई करना है कि एब्रिविएशन एब्स्ट्रैक्ट में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट है कीवर्ड्स। जब हम गूगल पे कुछ कीवर्ड्स सर्च करते हैं, अगर हमें कोई रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर डाउनलोड करना होता है, तो कुछ कीवर्ड्स के साथ हम सर्च करते हैं, तो वो पेपर्स हमें मिल जाते हैं एंड हम वो डाउनलोड करते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो उस रिसर्चर्स ने अपने कीवर्ड्स में डाले होते हैं। तो इसीलिए जितने अच्छे कीवर्ड्स आप यूज़ करोगे उतने अच्छे आपके पेपर सर्च हो जाएंगे एंड आपके साइटेशंस वगैरह बढ़ सकते हैं। सो आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको 4 से 8 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते मैंने 5 कीवर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर्स पब्लिश पेपर्स वो देखेंगे तो 4 से 8 के बीच में कीवर्ड्स दिखाई देंगे। सो ये कीवर्ड्स आपको केयरफुली सिलेक्ट करने हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मनुस्क्रिप्ट सर्च होनी चाहिए एंड आपके इसी वजह से आपके साइटेशंस वगैरह बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। सो इस पॉइंट से बेसिकली आपके रिसर्च आर्टिकल का मेन टेक्स्ट स्टार्ट होता है। इसमें बेसिकली 4 पॉइंट्स है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। सो ये 4 पॉइंट्स मेन बॉडी फॉर्म करते हैं रिसर्च आर्टिकल की। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको 1 या 2 पैराग्राफ में आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस करना होता है। सो ये करने से पहले आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। आपको 1.5 या 2 पेज में आपकी इंट्रोडक्शन लिखनी है और वो इंट्रोडक्शन आपको 1 या 2 पैराग्राफ में समराइज़ करनी है। सो दैट आपको ये ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट 1 या 2 पैराग्राफ में कवर हो सके। सो एक इम्पैक्टफुल आपकी इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट है। 2-3 जो ये पैराग्राफ्स है वहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन लिखी है। मैंने भी यही एक्सरसाइज फॉलो की थी। मैंने 1-2 पेज इंट्रोडक्शन लिखी थी एंड उस पर बेसिकली 4-5 रिवीजन किए थे। उसके बाद मैं ये 2-3 पैराग्राफ में समराइज कर पाया हूँ। सो इसी तरह से आप भी एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लिटरेचर रिव्यू। अभी अपने आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस तो कर दिया है लेकिन अभी आपको बताना पड़ेगा कि वही टॉपिक आपने क्यों सिलेक्ट किया है इस रिसर्च के लिए, इस स्टडी के लिए। सो इसके लिए आपको कुछ ऑलरेडी पब्लिश जर्नल पेपर्स रहेंगे, कॉन्फ्रेंस पेपर्स रहेंगे या बुक्स रहेंगे, वो रेफर करने पड़ेंगे और उसको आप बोलेंगे लिटरेचर सर्वे। और उन पेपर्स को, जर्नल पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर जो रहेंगे, उनका एनालिसिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स उन रिसर्चर्स ने आपके टॉपिक के रिलेटेड कौन से पॉइंट्स कवर किए, कौन से पॉइंट्स कवर नहीं किए, उसमें क्या लिमिटेशंस है, फ्यूचर स्कोप्स में कौन से पॉइंट्स उन्होंने डाले हैं। सो ये एनालिसिस जब आप करोगे तो उसको आप लिटरेचर रिव्यू बोलोगे। एंड जब ये पॉइंट्स सेपरेटली लिख देते हो, जो लिमिटेशंस है, जो पॉइंट्स उन रिसर्चर्स ने कवर नहीं किए, तो उसको आप लिटरेचर आउटकम्स भी बोल सकते हो। दैट मीन्स आपने कुछ पेपर्स रेफर किए, उनका एनालिसिस किया एंड आपको ये पता चला कि ये पॉइंट्स है जिन पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है और उन पॉइंट्स पर रिसर्च हो सकता है। सो इसीलिए आपने ये टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है आपके रिसर्च स्टडी के लिए। लिटरेचर रिव्यू लिखते समय भी आपको 1-2 पैराग्राफ में वो समराइज़ करके लिटरेचर रिव्यू लिखना है। सो इसके लिए आपको 10-15-20 ऐसे पेपर्स लगेंगे जो एक हाई एंड जर्नल में पब्लिश हुए हैं। कोई भी पेड जर्नल का अगर आप पेपर लेते हो एंड रेफरेंसेस लिस्ट में डाल देते हो तो ये आपका एक निगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। इसके रीजन से भी आपकी जो मनुस्क्रिप्ट है वो रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि आपका अगर बेस ही परफेक्ट नहीं है तो आप एक अच्छी मनुस्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। सो इसीलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग द जर्नल पेपर्स और कॉन्फ्रेंस पेपर्स। सो आपको क्या करना है, हर एक जर्नल पेपर रेफर करना है, रीड करना है अच्छे तरीके से एंड 2-3 लाइन में उनकी जो मेजर फाइंडिंग्स है और जो लिमिटेशंस है, जो पॉइंट्स वो कवर नहीं कर सके हैं, वो पॉइंट्स हर 2-3 लाइन में लिखने हैं। सो ऐसे 10-12 रेफरेंसेस आपको जो अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हैं वो 10-12 रेफरेंसेस लिखने हैं एंड लास्ट में आपके स्टेटमेंट डालने हैं कि ये पॉइंट्स कवर किए हैं रिसर्चर ने लेकिन ये पॉइंट्स कवर नहीं किए। सो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम सिलेक्टिंग दिस टॉपिक फॉर स्टडी। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि ये जो 2 पैराग्राफ है वो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बेस्ड है। सो बहुत सारे रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू ये एक ही चैप्टर होता है। जैसे कि आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, शेट्टी एंड प्रसाद एक ऑथर है, एक रेफरेंसेस साइटेशन लिखने की एक स्टाइल है, वैनकोर स्टाइल, ये हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, दे हैव सिंथेसाइज्ड MR फ्लूइड with non-editable vegetable oil such as honje oil as a carrier fluid and they reported that the yield stress, ये point important है, the yield stress produced is only 25 kPa. सो ये लिमिटेशन से मुझे इनकी रिसर्च से पता चला कि इन्होंने ट्राई किया है एमआर फ्लूइड सिंथेसाइज करने का, लेकिन जो यील्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस हुए है वो यील्ड स्ट्रेस सिर्फ 25 kPa है। सो मैं ऐसा रिसर्च कर सकता हूँ कि यील्ड स्ट्रेस उससे ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, 30 kPa, 35 kPa। सो इस तरीके से आप हर एक रिसर्च आर्टिकल एनालाइज कर सकते हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या है उसमें। सो वहाँ पर आपको आपका रिसर्च टॉपिक भी मिल सकता है। एंड आपको लास्ट में आपका एक स्टेटमेंट देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है कि अर्लियर सम रिसर्चर्स स्टडीड बेस्ड ऑन एमआर फ्लूइड सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन फॉर जर्नल पर्पज हैव बीन अटेंड, हावेवर, यहाँ देखो, हावेवर पास लिटरेचर डजंट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एमआरएफ सिंथेसाइज्ड फॉर वेहिकुलर एमआर ब्रेक। सो एमआर ब्रेक के लिए कोई भी रिसर्चर ने एमआर फ्लूइड तैयार नहीं किया, ये मुझे इस लिटरेचर रिव्यू से पता चला है। सो इस तरीके से आपको आपका लिटरेचर रिव्यू लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है मेथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो इस पार्ट को आप 2-3 चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपने थ्योरेटिकल एनालिसिस किया है तो उसका एक चैप्टर बनाओ, आपने कोई सॉफ्टवेयर्स पे एनालिसिस किया है तो उसका एक चैप्टर बनाओ, एक्सपेरिमेंटेशन किया है तो उस पर एक चैप्टर बनाओ, कोई सिंथेसिस किया है, कोई कैरेक्टराइजेशन किया है तो कैरेक्टराइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स, उनके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर एक चैप्टर बनाओ। तो इस तरीके से जैसे भी आपका रिसर्च आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग आप 2-3 चैप्टर इसमें, सब चैप्टर इसमें बना सकते हो। जैसे हमने डिस्कस किया कि मेथडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इस चैप्टर को आप 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, जैसे कि मैंने एमआर फ्लूइड्स सिंथेसाइज किए, सो सिंथेसिस ऑफ एमआर फ्लूइड्स। एंड जो सेकंड पार्ट है वो है कैरेक्टराइजेशन कि वो एमआर फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज चेक किए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके। सो इसी तरह से आप अगर कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, अगर थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर कुछ एनालिसिस, आपका एक्सपेरिमेंटेशन है, मटेरियल सिलेक्शन रहेगा, तो 2-3 या 4 चैप्टर में आप इस पार्ट को डिवाइड कर सकते हो। द नेक्स्ट पार्ट इज रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। सो ये बेसिकली वैलिडेशन का पार्ट होता है। दैट मीन्स जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं उस रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ आपको कंपेयर करना होता है। और अगर आपने खुद ने ही थ्योरेटिकल एनालिसिस किया है, कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालिसिस किया है और एक्सपेरिमेंटेशन एनालिसिस किया है, सो वो 2-3 रिजल्ट आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो इस सेक्शन में। एंड इसके लिए आप कुछ स्टैंडर्ड चार्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। इस पार्ट में बेसिकली वैलिडेशन का पार्ट होना चाहिए रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एमआर फ्लूइड्स के कुछ सैंपल्स तैयार किए, तो ये रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स मैंने कंपेयर किए। एंड उसके बाद मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह यूज किए। ये देखो, एक्सेल का यूज करके मैंने चार्ट निकाले। ये सब हर एक फ्लूइड है, सो ये इनकी प्रॉपर्टीज है। सो हर एक फ्लूइड कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज मैंने एक स्टैंडर्ड एमआर फ्लूइड है जो हमने यूएसए से प्रोक्योर किया था, सो उसको भी कैरेक्टराइज करके उसके साथ मैंने कंपेयर किया है। तो एक वैलिडेशन का पार्ट हो जाता है। सो अगर आपने कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं तो रिजल्ट्स आपको स्टैंडर्ड केस कंसिडर करके उसके साथ कंपेयर करने होते हैं। और अगर आपने खुद ने कुछ डबल एनालिसिस किए, थर्मल एनालिसिस या कोई और थ्योरेटिकल एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो वो 2 रिजल्ट्स भी आप कंपेयर कर सकते हो। सो आपका वैलिडेशन इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए इस रिजल्ट्स एंड डिस्कशन चैप्टर में। नेक्स्ट पार्ट है कंक्लूजन्स। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन्स के रिगार्डिंग, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है आपकी कंप्लीट जो मनुस्क्रिप्ट है उसकी एक समरी है जो कि जनरल गाइडलाइन, जनरल स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वहाँ पर। लेकिन जो कंक्लूजन्स है वो बेसिकली रिजल्ट स्पेसिफिक है। कंक्लूजन में हम जो भी रिजल्ट आए उसके वैल्यूज लिख सकते हैं, कुछ चार्ट्स, कुछ फिगर अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो भी कंक्लूजन में हम डालते हैं। सो वो वैल्यूज़, वो चार्ट्स, वो फिगर्स, वो टेबल्स हम एब्स्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते। सो कंक्लूजन इज रिजल्ट स्पेसिफिक एंड वाइल एब्स्ट्रैक्ट गिव्स यू अ जनरल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूर कंप्लीट मनुस्क्रिप्ट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में जो भी रिजल्ट्स लिखे हैं, कंपेयर किए, उसके ऊपर रहता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि कंक्लूजन जो है वो रिजल्ट स्पेसिफिक है। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज, कुछ टेबल यूज कर सकते हैं, कुछ चार्ट यूज करते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में ये सब नहीं यूज होता है। एब्स्ट्रैक्ट जनरल गाइडलाइंस देता है कंप्लीट मनुस्क्रिप्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कंक्लूजन्स में लिखा है कि जो भी मैंने एमआर फ्लूइड सैंपल्स तैयार किए, ये एक नॉमेनक्लेचर है, उसका ये एक टाइप है। सो वो बेसिकली उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। दूसरा एक टाइप है, ये उसके रिजल्ट्स मुझे क्या मिले। सो वो उनके वैल्यूज किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पर मैंने मेंशन किए। सो ये जो स्पेसिफिक रिजल्ट्स है वो मैंने कंक्लूजन्स में समराइज किए। सो इसके लिए मैंने लास्ट में एक सेंटेंस कंक्लूजन में लिखा है कि दस बेस्ड ऑन द ओवरऑल स्टडी दिस सैंपल, ये एक MRF का सैंपल मैंने मैन्युफैक्चर किया है विच इज रिकमेंडेड फॉर द ब्रेक एप्लीकेशन। सो सभी रिजल्ट्स कंपेयर करके ये एक जो MRF सैंपल है जिसने वो एग्जिबिट कर रहा है मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स, सो वो ब्रेकिंग एप्लीकेशन के लिए रिकमेंडेड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन्स लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है रेफरेंसेस। सो यहाँ पर भी बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं रेफरेंसेस लिखते समय। सो बहुत सारे रेफरेंसेस स्टाइल्स है जैसे कि हार्वर्ड, वैनकूवर, APA स्टाइल, शिकागो, MLA, साइटेशन स्टाइल, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो है वैनकूवर एंड हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस राइटिंग। सो ये दो स्टाइल्स हम देखेंगे कैसे रेफरेंसेस लिखना है इसमें। सो आपको सिर्फ सीक्वेंस पे एम्फोसाइज करना है। दैट मीन्स जो हम ऑथर्स के नाम लिखते हैं, पब्लिश्ड ईयर है, वॉल्यूम है, उसके बाद पेज नंबर है, जर्नल का नाम है, आपके मनुस्क्रिप्ट का नाम है, सो उसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस सिर्फ चेंज है। सो इस पॉइंट्स पे आपको एम्फोसाइज करना है। सो चलिए देखते हैं। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि रेफरेंसेस लिखने के अलग अलग स्टाइल्स हैं। सो यहाँ पर इस पेपर में जो स्टाइल यूज़ हुई है वो है वैनकूवर स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस राइटिंग। सो वैनकूवर एंड हार्वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक अलग तरीके से लिखते हैं, जर्नल आर्टिकल लिखने की स्टाइल अलग है, थीसिस लिखने की स्टाइल अलग है एंड कॉन्फ्रेंस पेपर लिखने की स्टाइल अलग है। सो सिंपल है, आपको एक सीक्वेंस सिर्फ याद रखना है। बुक अगर आपको रेफरेंस लिस्ट में लिखना है तो उस ऑथर का नाम, उस बुक का नाम एंड वो प्लेस, देन पब्लिशर एंड पब्लिश्ड ईयर, ये सीक्वेंस होता है। एंड उसके बाद जर्नल आर्टिकल अगर हमें लिखना है तो ऑथर्स नेम, ठीक है, उसके बाद उस आर्टिकल का टाइटल, उसके बाद ये है, यहाँ पर आप देखिए जर्नल का नाम है, देन पब्लिश्ड ईयर, वॉल्यूम एंड इशू एंड पेज नंबर्स। सो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। अगर वैनकूवर रेफरेंस स्टाइल उस जर्नल के लिए वैनकूवर रेफरेंस स्टाइल रेफर करनी है तो थीसिस लिखना है तो सिंपल है, ऑथर का नाम, उस थीसिस का टाइटल ब्रैकेट में PhD थीसिस एंड वो लोकेशन कहाँ पर है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी एंड पब्लिश्ड ईयर। कॉन्फ्रेंस पेपर ऑलमोस्ट जर्नल पेपर एंड कॉन्फ्रेंस पेपर सेम लिखते, खाली जर्नल के जगह पेपर प्रेजेंटेड एंड कॉन्फ्रेंस का नाम डाल देते, और उसके बाद वो लोकेशन, पब्लिश्ड ईयर एंड लोकेशन। सो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है अगर आपको वैनकूवर रेफरेंस स्टाइल फॉलो करनी है तो। सो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, आपको टेक्स्ट में जब वो लिखना होता है, उसको साइटेशन जो हम कहते हैं, तो वो किस तरीके से लिखते हैं। सो हम सुपरस्क्रिप्ट यूज करके एंड उस ऑथर का नाम यूज करके भी लिख सकते हैं कि सूजा स्टेट्स दैट, ये भी लिख सकते हैं। सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, या ऑथर का नाम एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू पार्ट में जाएंगे, ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है फैंग एटल 11 एटल। बेसिकली अगर दो ऑथर से ज्यादा ऑथर रहते तो हम एटल यूज करते हैं। सो फैंग एटल 11, सो ये वैनकूवर स्टाइल है, ठीक है। सिंपल हम स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं या सुपरस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। सो ये 11 नंबर पे ये पेपर मैंने रेफरेंस लिस्ट में डाला है। सो इसी तरीके से आप साइटेशंस आपको देना होता है टेक्स्ट में अगर आपको ये वैनकूवर रेफरेंस स्टाइल ऑप्ट करनी है तो। सो सिंपल है, उसी तरह से एक हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल है। सो इसमें भी बुक, जर्नल आर्टिकल, थीसिस एंड कॉन्फ्रेंस पेपर हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है कि ऑथर नाम लिखने के बाद ही पब्लिश्ड ईयर लिखा जाता है एंड टेक्स्ट में जब हमें साइट करना होता है सो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ऑथर का नाम एंड वो पब्लिश्ड ईयर लिखा जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो साइटेशन भी अलग तरीके से देते हैं एंड ये जो पब्लिश्ड है हम लास्ट में डालते हैं, वो सिर्फ स्टार्टिंग में डाला जाता है। सो ये हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल है। सो इस तरीके से आप बुक, जर्नल आर्टिकल, थीसिस एंड कॉन्फ्रेंस पेपर लिख सकते हो। ओके, सो ये 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको आपके मनुस्क्रिप्ट रिसर्च आर्टिकल लिखते समय आपको इंक्लूड करने ही है। लेकिन इसके अलावा 3 और ऑप्शनल पार्ट्स है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में, एब्रीवेशंस है, एक्नॉलेजमेंट्स है एंड उसके बाद अपेंडाइसेस है। सो चलिए ये भी देखते हैं ये 3 पार्ट्स क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एब्रिविएशन का सेक्शन होता है। तो वो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप इंक्लूड कर सकते हैं ये सेक्शन, या सेपरेटली इंट्रोडक्शन से पहले भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर आपने, अगर आपके मनुस्क्रिप्ट में बहुत सारे ऐसे लॉन्ग वर्ड्स हैं तो आप ये सेक्शन बेसिकली ऐड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको सिर्फ उनके एब्रिविएशन डिफाइन करने हैं। सो डायरेक्टली अगर आप ऐसे करते हो तो ये एब्रिविएशन आप डायरेक्टली आपके मनुस्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो। अदरवाइज हर वक्त आपको ये एब्रिविएशन, ये लॉन्ग फॉर्म लिखना पड़ेगा और पहले यूज में एंड उनके ब्रैकेट में ये एब्रिविएशन लिखना पड़ेगा। अगर ये डिफाइन करते हो तो उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये एब्रिविएशन यूज कर सकते हो। एंड सेकेंड सेक्शन जो है वो है एक्नॉलेजमेंट का। सो आप जहाँ से रिसर्च कर रहे हो या जॉब कर रहे हो जहाँ पर, और कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ की अगर आप फैसिलिटीज कुछ यूज कर रहे हो, एंड अगर आपको कोई इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर रही है तो उन सब के नाम आप यहाँ पर एक्नॉलेज कर सकते हो। ये सेक्शन बेसिकली रेफरेंसेस से पहले आपको लिखना होता है, 4 से 5 लाइन में आपको करना है। और तीसरा जो टॉपिक है, ऑप्शनल टॉपिक, वो है अपेंडाइसेस। सो बेसिकली अपेंडाइसेस को रेफरेंसेस के लास्ट में डालना होता है। सो अगर आप आपके रिसर्च में कोई वैल्यू यूज कर रहे हैं, वो वैल्यू अगर आपने कोई टेबल से ली है सो वो वैल्यू आप यूज कर सकते हैं एंड वो टेबल को अपेंडाइसेस में डाल सकते हैं एंड उस वैल्यू के ब्रैकेट में उस अपेंडाइसिस का रेफरेंस दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, यही कुछ गाइडलाइंस थी जो मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस से सीखी है एंड मैंने कोशिश की है आपसे शेयर करने की। सो इस गाइडलाइन को यूज़ करके डेफिनेटली आप एक अच्छा रिसर्च आर्टिकल लिख पाओगे, लेकिन उससे पहले आपका रिसर्च टॉपिक फाइनलाइज होना चाहिए। सो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ऐसे लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड उसके सामने जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करो। सो थैंक यू वेरी मच।